आज स्पुटनिक भी रुषिया टीका जहां रही तार रेट के तथ्य सांनाक आसला। 5% जीएसटी को नहीं गोटे बड़ दिग सामनाक आसी आज दिन में भैक्सीन 5% जीएसटी आवश्यकता अच्छी कि ना ये गोटे बड़ वितर्क विषय। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक केन्द्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण को चिठी लिखी जीएसटी छाड करा सहित अलग इक्विपमेंट जहां रही से संक्रांत में निष्पत्ति ग्रहण कोविड मुकाबला परवर्त पर्यायर केन्द्र अर्थमंत्री सीरीज अफ ट्वीट करते जदि जीएसटी बाबद हटावा गोटे निष्पत्ति जाए तार आडभर्स इंपैक्ट बा तार नकारात्मक प्रभाव गुड़िक कौन रोक से कथा उपस्थापन करते राज्य सरकार आज दिन में जदि उभय कोविशील्ड और कोभाक्सीन को हिसाब कराए दुईट कंपनी ठू 10.34 लाख कोभाक्सीन डोज किनवाक चाहते एवं 3.77 लाख कोविशील्ड डोज किनवाक चाहते जदि हिसाब कराए तो यार सबुतक कस्ट हूँ 1131 कोटी आउ इस 1131 कोटी कोविशील्ड और 62 कोटी कोभाक्सीन किनवाई राज्य सरकार अर्डर दे सारी आउ ए बाबद को पाखापाखि 60 कोटी टंका राज्य सरकार टिकस दे से दृष्टिकोण चिंता करूँ जदि आज दिन में ये जीएसटी रही नाता राज्य सरकार केवल ओडिशा नुह प्रत्येक राज्य सरकार जिते निजस्व लोक निजर अंचल लोक निज राज्यवासी को जिते मगणारे टीकादान करने को घोषणा करती बेलू टा सेव करते बचे पारे यह प्रत्येक राज्य क्षेत्र में लागू होता आज कथा देखू जिते 5% जीएसटी सहित 995 टकरे मिल स्पुटनिक भी स्पुटनिक भी कथा आसुची यह प्राइवेट रे जिते मिल प्राइवेट प्लेयर प्राइवेट हॉस्पिटल गुड़िक निजस्व किसी चार्ज लगे जहां पाखापाखि अधिका टंकरे आपको उपलब्ध हे जदि केन्द्र सरकार 5% जीएसटी कमे दिंती टीका उपरू वैक्सीन उपरू पर्टिकुलरली ताहले गोटे बड़ धरणर टंका सेव करा जी पारंता राज्य सरकार निजस्व अर्थ बंचे पारंते एवं लोक मानकर पॉकेट को जो प्रभाव पड़ाक जो माने प्राइवेट रे नबाकु चाहिबे टीका सेमाने मध्ये किछि टंका सेव करि पारिबे जेहेतु राज्य सरकार गुड़िक मागणारे टीका देवाकु घोषणा करिछन्ते हुए तो ओडिसा रे कोनोसी लोकंकु निज पॉकेट रु टीकस देवाकु पडुनाही किंतु एट द सेम टाइम राज्य सरकार ए टीकस रो बुझो निज उपरूकु नबाकु जाउछन्ति तो ए संक्रांत रे आमे चर्चा करिबा प्रोफेसर असित महांती आम सहित सामिल होती प्रोफेसर महांती आपनकु स्वागत करुछि कनक न्यूज को 5% जीएसटी हटाइबार लाभ कौन एवं क्षति कौन आपंठ बुझा चाहे जीएसटी एक्जेम्पशन कले जो टैक्स टा दबा को पहुंची कंज्यूमर को सेटा दबा को पड़ेगा तो यदि हमारे कंज्यूमर के गवर्नमेंट से गवर्नमेंट से ही कंज्यूम करूँगी सेटा सिंगल बायर तो सिंगल बायर केस से गवर्नमेंट को टैक्स दबा को पड़ेगा ना तो गवर्नमेंट ऊपर एक टैक्स टैक्स लागू कर इस टाइम में एग्जेम्प्शन को अब तो सही पर्पस से सब कुछ देख देख कर रहे हैं कि टैक्स लागू करो जीरो पर वैक्सीन जो 5% जो टैक्स दिया जो कि 0% आपण सहित जोजोग करने को चाहिए प्रोफेसर महांती सहित कारण केन्द्र सरकार जुक्ति और राज्य सरकार जुक्ति गुड़िक गोटे फरक देखा मिलू राज्य सरकार कहते 5% जीएसटी मानने काटी दिया जो जो वैक्सीन कथा कह कोरोना परिस्थितिर मुकाबला करिबा पई जो हेल्थ इक्विपमेंट गुड़िक रही ए संक्रांत जो सब व्यवस्था गुड़िक रही जीएसटी संक्रांत में केन्द्र सरकार गोटे निष्पत्ति ग्रहण करूँ केन्द्र अर्थमंत्री कहते जीएसटी जदि कम कर दि जा कमाइ दि जाए तार गोटे नकारात्मक प्रभाव पड़े किंतु जुक्ति यह दि जा जीएसटी जो अर्थ आदाय सेंट्रल पुल को जाइर किसी प्रतिशत अर्थ टैक्स डिवल्यूशन जरिया राज्य गुड़िक पाखक आसी थाए ये हूँ गोटे आम व्यवस्था जिते टिकस आदाय से केन्द्र पाखक किसी अर्थ जाए राज्य गुड़िक पाखक किसी अर्थ जाए जीएसटी रही तो प्रोफेसर महांती जब आप शुनिपर आप तर्क बुझा चाहिए लाभ और क्षति रही हिसाब करवा कि आम के टैक्स दौचे गोटे आनुमानिक हिसाब करवा कोवैक्सीन 400 रुपीज पड़ी ओके सिंगल डोज कोविशील्ड 300 रुपीज पड़ी राइट आमे जदि 10 लक्ष धरतु कोवैक्सीन आनवा एंड 4 लक्ष खंडे आनवा कोविशील्ड से टैक्स कलेक्ट हो पार कि 6000 लक्ष खंडे टैक्स कलेक्ट हो पार ठीक अच्छे 6000 लक्ष टा टैक्स कलेक्ट हो
ସେଥିରୁ ଓଡ଼ିଶା ମାନେ ଷ୍ଟେଟ ମାନେ କଲେକ୍ଟ କରିବେ 50% ଆଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ 50% ଯିବ। ସେ ଯୋଉ ବେନିଫିଟଟା ମିଳିବ ସେଟା ହେଲା 6000 50% ଷ୍ଟେଟକୁ ଯିଏ ଆସୁଛି ସେଟା ବେନିଫିଟ ମିଳିବ। ତ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବର୍ଡନଟା ଟିକେ ଷ୍ଟେଟ ଉପରେ କମିଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟେଟ ମାନେ ଯୋଉ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ମାନେ ଏଣ୍ଟାୟର ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ବର୍ଡନ ଷ୍ଟେଟ ପାଖକୁ ଆସିଯାଇଛି। ଆଉ ଜିଏସ୍ଟିରେ ଯଦି କିଛି ଲେଭି ଯୋଉଟା କରାହଉଛି ସେଟା ଯଦି ଏକ୍ଜେମ୍ପ୍ଟ କରାଯିବ ସେ ଷ୍ଟେଟ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ 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 ହେଡ୍ରୁମ୍ ମିଳିବ, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ବର୍ଡନଟା ଟିକେ କମିଯିବ। ତ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଷ୍ଟେଟ ମାନେ ହିଁ କ୍ଲେମ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏକ୍ଜେମ୍ପ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ବଟ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଥିରୁ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ହଉଛି, ବହୁତ ଏକ୍ସପର୍ଟଙ୍କର ଓପିନିଅନ୍ ଆସୁଛି କି ଏକ୍ଜେମ୍ପ୍ଟ ନ କରାଯାଇ ତାକୁ ଜିରୋ ରେଟିଂ କରାଯାଉ। ଜିରୋ ରେଟିଂ ମାନେ କ'ଣ, ଆଉଟପୁଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ମାନେ କୋଭିଡ ଉପରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ 0% ରହିଲା। ଯେଉଁମାନେ ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର କରୁଛନ୍ତି ସେ ଯୋଉ ଇନପୁଟ କିଣୁଛନ୍ତି ଆମ ଯୋଉ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ପାଇଁ, ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର କରିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ବି 0% ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରଙ୍କ ଉପରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲାଇବିଲିଟି ରହିଲାଣି, ଯିଏ କିଣିଲା ଷ୍ଟେଟ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲାଇବିଲିଟି ରହିଲାଣି, ସେମାନେ ଜିରୋ ରେଟିଂ। ସେଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଭଲ ଉପାୟ ଆଜ୍ କମ୍ପେୟାର ଟୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଏକ୍ସେମ୍ପସନ। ଟ୍ୟାକ୍ସ ଏକ୍ସେମ୍ପସନ କ'ଣ ହଉଛି, ଖାଲି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଉପରେ ଟ୍ୟାକ୍ସଟା ଯଦି ଦିଆହଉଛି ତାକୁ ଏକ୍ସେମ୍ପସନ କରାଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ଯୋଉ ଇନପୁଟ କିଣୁଛନ୍ତି ସେ ଇନପୁଟ ଉପରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଇନପୁଟ ଉପରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବେ କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ସେଇଥିରେ ତାଙ୍କର ସେଟ୍ଅପ୍ ହବନି। ସେଇ କଣ୍ଟେକ୍ସରେ ଏଫ୍ଏମ୍ କହିଛନ୍ତି କି ଫିନାନ୍ସ ୟୁନିଅନ ଫିନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର କହିଛନ୍ତି ଯଦି ଏକ୍ସେମ୍ପସନ କରିଦେବା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଇନପୁଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲାଇବିଲିଟି ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରଙ୍କ ଇମିଡିଏଟଲି କନଜ୍ୟୁମରକୁ ପାସନ କରିଦେବେ, ତା ମାନେ କ'ଣ ବେସ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ବଢ଼େଇଦେବେ, ପ୍ରାଇସ୍ ବଢ଼ିଯିବ। ସେ ଗୋଟେ ବି ରହୁଛି ଆଙ୍ଗେଲ, ସେଇଟା ସେଇଟା ପ୍ରପର୍ଲି ଷ୍ଟଡିଡ୍ ହେଇଯିବ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଯଦିଓ ବୋଝ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବେଶୀ ପଡୁନାହିଁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଗୁଡିକ ଉପରେ ବେଶୀ ବୋଝ ପଡୁଛି, କାରଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୁଡିକ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ପ୍ରୋକ୍ୟୁର କରି ମାଗଣାରେ ଟିକାକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଲୋକ ଉପରେ କେତେବେଳେ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲ ଗୁଡିକରେ ଟିକା ବିକ୍ରି ଆରମ୍ଭ ହେବ ସେହି ସମୟ ବେଳକୁ ଯଦି ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନ ଯାଇ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ଟିକା ନେବାକୁ ଚାହିଁବ ସେହି ସମୟ ବେଳକୁ ପ୍ରଭାବଟିଏ ହୁଏତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ସାମ୍ନା କରିପାରେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଫେସର ମହାନ୍ତି, ଆପଣ ଆମ ସହିତ ସାମିଲ ହୋଇ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଥିବାରୁ।